नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक अनोखा सा घर सजाने का सामान, जिसको बहुत ही सरलता के साथ बनाया जा सकता है और घर में बैठे बैठाए अपने घर को सजाया जा सकता है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, बस ये फेविकॉल और ये इस तरह का धागा तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल के लिए तो फेविकॉल तो मार्केट से ही आता है। मैंने इनमें यूज किया है बनाने के लिए, इस तरह के गत्ते हैं जो घर में अवेलेबल रहते हैं। इस तरह का कपड़ा है जो आप, ये धागे की कढ़ाई का है, आप कोई सा भी ऐसा कपड़ा ले सकते हैं जिसमें धागे की कढ़ाई हो और अच्छा सा उस पर कलर हो, जिससे कि फ्लावर्स बने हों, जिसपे फ्लावर्स कोई सा भी डिज़ाइन हो जिससे कि आप अपने घर को सजा सकते हैं। एक ऐसा कपड़ा मैंने लिया है जिसके काफ़ी सारे टुकड़े हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, काफ़ी सारे हैं। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसकी 4 इंच है। गत्ते की लंबाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 4 इंच है, लेकिन कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हमें ज़्यादा रखनी है। इसकी लंबाई मैंने 3 इंच और इसकी लंबाई 4 इंच बताई थी और चौड़ाई बताई थी 3 इंच, बल्कि ये ज़्यादा है, कपड़े की ज़्यादा है। मोड़ने पे ये जैसे कि थोड़ा मोड़ के ये आ जाए ऐसे कपड़ा, इस तरीके से, इसमें थोड़ा कम है कपड़ा तो ये मोड़ के ऐसे आ जाए। इतना बड़ा थोड़ा कपड़ा होना चाहिए, 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई के अलावा आधा आधा इंच और हो। एक ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन की चौड़ाई इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये पूरा फोल्ड हो के इस पे ऐसे पूरा फोल्ड हो के ये आ जाए ऐसे करके। अभी मैं आपको चिपका के बताऊँ कैसे बनाना है। ये बस ये कि इस तरह के जो घर में पॉलीथीन होती हैं उसकी कटिंग करके हमें चौकोर कटिंग करनी है ज़्यादा। एक फेविकॉल का यूज करना ही है, धागा है, ये धागा है, ये धागा इस सुए में मैंने डाल रखा है काफ़ी लंबा, जैसे कि ये हैं, काफ़ी सारे हैं, ये 5 से ज़्यादा हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से ये हमें लंबा धागा डालना है। मैंने ये सुई में लपेट के रख दिया था, ऐसे सुए में ये धागा हमको डाल लेना है। जितने भी आप इसके पीस बनाएंगे, ऐसे डिज़ाइन के पीस आप जैसे ऐसे करके जैसे मैं बना के आपको दिखाऊंगी, उतने ही आपको लंबा धागा करना पड़ेगा। अगर आपको 5 पीस बनाने हैं तो 5 पीस के लिए थोड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 तो उसके लिए इतना धागा बहुत है, जितना लंबा धागा उतना ही पीसेस के लिए सही रहेगा। और ये रहते हैं, इनको रॉड बोलते हैं, यहाँ पर ये ऐसे सुए में डाले जाते हैं, इनमें होल होता है बीच में और ये ऐसे डल जाते हैं करके। और ये शीशे मार्केट से आते हैं, इनको भी हम इनमें लगाएंगे जिससे कि ये और ज़्यादा सुंदर लगे और लाइट पड़ने पर ये चमके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है गत्ता जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको पहले बता चुकी है, और ये ली है पॉलीथीन, उसके बाद ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर हमें फेविकॉल लगाना है ऐसे। पॉलीथीन का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, मान लो ये हमको धोनी पड़ जाए, ये गंदा धूल मिट्टी से गंदे भी हो सकते हैं, कपड़ा है धो देंगे हम इसको तो ये गत्ता उससे गलेगा नहीं, इसलिए हम पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इस कपड़े को लगा सकते हैं।
लेकिन पॉलिथीन लगाने के बाद ये कैसे भी हम इसको धो सकते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल पूरा कवर कर देना है हमको, पॉलिथीन को हमें बड़ा ही काटना है जिससे कि ये पूरा गत्ता इस पे कवर हो जाए बिल्कुल। अगर हम इसको धोएंगे तो पानी इसके अंदर ना जाए। क्योंकि धूल मिट्टी घर में बहुत आती है, उससे गंदे हो सकते हैं। पानी से इसको साफ कर सकते हैं फिर बाद में। इस तरीके से ये पूरा कवर कर देना है। मैंने पहले से ये कवर करके रखा हुआ है, ऐसे ये पूरा हमें कवर कर देना है। इसी के ऊपर हमें ये कपड़ा लगाना है ऐसे करके, जिससे कि ये चौकोर, मैंने चौकोर डिजाइन काटा है गत्ते का। आप गोल भी सर्कल भी काट सकते हो, जैसा आपका मन चाहे। आप जैसा ट्रायंगल भी काट सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा इसको शेप दे सकते हो। मैंने इस तरीके से इसको चौकोर, चौकोर नहीं ये रेक्टेंगल है तो ऐसे करके अब इस कपड़े को चिपका देना है फेविकॉल से। फेविकॉल से चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा डिजाइन, ऐसे होगी। लेकिन पीछे से इसका भाग ऐसा लगेगा। इसे भरने के लिए या तो आप पहले ही बड़ा कपड़ा काट सकते हैं। अगर डिजाइन, जैसे डिजाइन इसकी थोड़े पास में थी तो मैंने ये इसकी कटिंग करके ऐसे ये कपड़ा निकाला था। लेकिन अगर डिजाइन दूर दूर है जब तो ये कपड़ा चौकोर निकल सकता है या किसी भी शेप में निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको ढकने के लिए पीछे से अलग से कपड़ा इसको ऐसे लगा देंगे जिससे कि ये बेकार ना लगे। फेविकोल लगाने के बाद ये पीछे से भी कवर हो जाएगा। उस कपड़े को हमने इस तरीके से लगा दिया है और आगे से ये ऐसे हो गए। इसी तरीके के हमको सारे तैयार करने हैं। लेकिन इस पे शीशे और लगाने हैं हमें, जिससे कि ये और अच्छा लगे। इन शीशों को हम इन फूलों के बीचों बीच ऐसे लगा देंगे, फेविकॉल से चिपका देंगे। ये हमने 7 पीस तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। इसमें शीशे भी लगा दिए हैं सारे पीस इस तरीके से, इस तरीके से तैयार हो गए हैं। सॉरी ये पीछे ये कवर नहीं हो पाया, और जो जितने भी हैं उनके पीछे हमने सबके पीछे पूरा कवर कर रखा है। ये बचा हुआ इसे भी कर देंगे। अब हमें ऐसा चौकोर एक कागज़ लेना है और ये फेविकॉल ऐसे धागा पीछे की तरफ रख के, आप धागे को यहाँ से भी स्टार्ट करके लगा सकते हैं वैसे। धागा लगाना है और धागे के ऊपर ही इस चौकोर कागज के टुकड़े को लगा देना है। आप किसी टेप का भी यूज कर सकते हैं ऐसे। ये बिल्कुल कवर हो गया। सूखने पर इस ये धागा इसी में लटका हुआ रहे। फिर ये जो रॉड हैं इनको सुएं में, ये धागा पूरा बड़ा है
ये यहाँ तक इन रॉडों को लेके आना है। ये एक रॉड हमने कर दिया है इसके अंदर, ये एक रॉड आ चुकी है। अब इसी तरीके से कोई सा भी ले सकते हैं हम, एक पार्ट और जोड़ने के लिए दूसरा ऐसे। इस यहाँ तक एक रॉड है, इसको इस धागे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे मैंने एक यहाँ पर लगाया कागज और इसके नीचे फेविकॉल लगा दी है, एक कागज यहाँ पे लगाया है। ये धागा वही धागा चलता रहेगा ऐसे। इसमें फिर दोबारा से एक रॉड डाल दूंगी सुई की मदद से, ऐसे एक रॉड ये यहाँ पर आ गई। फिर इसी तरीके से एक और ऐसा पीस यहाँ आ जाएगा। ये जो इसका आखिरी पार्ट है जिससे पे जिससे हम लटकाएंगे, उसको हमने ऐसे यहाँ से धागा निकाल के टांगने के लिए जगह छोड़ दिए, और पीछे से ये धागा पीछे से इसी कागज़ के नीचे दबा दिया है फेविकॉल से। फेविकॉल आप बहुत अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये मजबूती से चिपक जाए। और ये कुछ इस तरीके से पूरे एक दूसरे से चिपक चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ दीवार पे टांग कर। दीवार से ज़्यादा ये मुझे अपनी अलमारी पे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपनी अलमारी पे चिपका दिया है। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्कार।